outside our office in Chandigarh now. Office बात भी दिखाऊंगा मैं जैसे मुझे कल रात में पता चला कि XUV700 एक्चुअली चंडीगढ़ में फ्रीडम ड्राइव के लिए आई है. आई होप वो आज मिल जाए. चलाने को तो नहीं देंगे बट एटलीस्ट बैठ के बड़ा कुछ पता लग जाएगा जब तक फोटो से नहीं पता लग रहा था. बाकी गाड़ी में आपके होता है मैंने सोचा सारे मेरे को बोलते रहे यार अपनी गाड़ी का गाड़ी भी दिखा दो तो मैं कहा चलो ये भी साथ साथ शूट कर लेते हैं. आ यार ये है मेरी प्यारी कार. इसको ऑन करते हो ऐसे भी लगता है जैसे एरोप्लेन को ऑन कर रहे हो. स्टार्ट करा वेट करा जब तक सारी लाइट थोड़ी सड़ जाए फिर इंजन स्टार्ट करा. ये पीप है हैंड ब्रेक हटाई इसको न्यूट्रल पे करा एसी चलाया सनरूफ थोड़ी सुपर करी सो दैट एसी की हवा निकल जाए बट द होल फीलिंग इज रियली गुड. वन पे दो सेट माई ड्राइवर पोजीशन बिकॉज बहुत लोग मेरी कार चलाते हैं यू नो मैं रुकता नहीं किसी को बिकॉज मैं भी लोगों की बहुत चलाता हूँ. बट इसके बाद बहुत अच्छा लगता है कि जितना मर्जी लोग आपकी गाड़ी में गेड़ी मारे यू कैन कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन. सो सबसे अच्छी बात यह है कि ये कार एक अच्छे ऐसे मॉडल में है. मैं इसको थोड़े कहूँगा वो हमारी इसकी लाइट कौन है ये लग रहा है नहीं नहीं लग रहा है ये हमारी रॉकस्टार कार. सो द गुड थिंग अबाउट दिस ऑडी इज तभी मैं बड़ा ब्लेस फील करता हूँ कि बिकॉज इसके बाद वाली ऑडीज में काफ़ी चीज़ें थी जो खराब हो सकती थी जैसे कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्टेयरिंग डी एस जी गेयरबॉक्स और एयर सस्पेंशन. और इससे पुरानी वाली ऑडीज में काफ़ी चीज़ें थी जिसमें फीचर्स ही नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल कैमरा नहीं था फोल्डेबल शीशे ये वगैरह नहीं अच्छे से मिलते थे. सो इट वॉज लाइक टू आउटडेटेड. सो बट दिस इज लाइक द बिग परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ऑल द फीचर्स एवरीथिंग. और एक बात है कि मैं सेडान्स जितनी भी हैं स्पेशली जितनी और भी गाड़ियाँ हैं मैं अपनी सीट सबसे लोएस्ट पोजीशन पर करके रखता हूँ ताकि मेरे को एक सड़क के साथ वाली फील आए और गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छे से कंट्रोल हो. नहीं तो जितनी ऊंची बैठते हो स्पोर्ट्स गियर रेड लाइट हो चुकी है मेरे को लगा था ग्रीन पड़ी है. तो ये इसका मजा है. इवन इवन बीइंग अ डीजल इट्स लाइक द बेस्ट परफेक्ट रॉकेट. आपको कभी भी डालना हो तो स्पोर्ट्स के डालो प्रर करके उठती है. मुझे लगा था ग्रीन सिग्नल अभी भी है तभी लोग चल रहे हैं तो हम यहाँ से राइट निकल जाते हैं. अभी यहाँ पर राइट कट काटना थोड़ा गलत है बट मेरे को काटना पड़ेगा नहीं तो मैं फंस जाऊँगा बहुत लंबा कट पड़ जाएगा. सो आई एम गोइंग टू महिंद्रा शोरूम राइट नाउ एंड आई होप कि हमें वहाँ पे XUV700 मिल जाए. तब तक लेट मी एंजॉय दिस कार एज ऑलवेज जब भी मैं इसमें बैठता हूँ. सो मैंने जब ये कार ली थी उसके बाद मैंने इसकी डिटेलिंग कराई अंदर से स्टीम वॉश करा दी सब कुछ करा दिया. सो उसके बाद ये कार बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे मैंने आज ही ब्रांड न्यू शोरूम से निकाली हूँ. इस पर थोड़ा क्रैक है ये ठीक कराने वाला है बट टाइम नहीं लग रहा थोड़ा तो वो भी करा लेंगे. वो मैंने ही मार दिया था बेसिकली थोड़ा सा लग गया था. तो ये ऑडी दो तीन बार मैं मार भी चुका हूँ जब नई नई ली थी. तो पहली बार मैं इसको लेते धर्मशाला चला गया था पहाड़ों पे बहुत रैश चला रहा था और मैंने अपने इसमें गूगल मैप्स नहीं चलते इनकी अपनी नेविगेशन है जो नेविगेशन न्यूजीलैंड या पता नहीं कहीं और की चीज हो जाती है. तो इंडिया में उसके मैप्स नहीं चलते. अदर दैन दैट इसमें बेसिक के सारे फीचर्स हैं काफ़ी मज़ेदार आता है. कोई टच स्क्रीन नहीं है तो मेरे को चाहिए भी नहीं. यहीं से आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो. इट्स लाइक एन इनबिल्ट कंप्यूटर इन इटसेल्फ. बोस का साउंड सिस्टम है यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल होती है लाइक रियली गुड. एसडी कार्ड डलता है. इस गाड़ी को चलाने के बाद मेरे को किसी का साउंड सिस्टम नहीं अच्छा लगता किसी गाड़ी की ड्राइव अच्छी नहीं लगती. सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है जब से मैं इस कार में आया हूँ कि मैं नॉर्मल गाड़ियाँ ड्राइव करने का मन ही नहीं करता है. जस्ट वांट टू ड्राइव माय ओन कार. अब थोड़ा दोबारा स्पोर्ट्स गियर थोड़ा गलत इनसे ओवरटेक करना पड़ेगा. गालियाँ खानी पड़ेंगी बट ठीक है दैट्स व्हाट आई डू. फट जाती है बेसिकली जब स्पोर्ट्स गियर में हम गाड़ी में जाते हो साथ वालों की. मेरी अपनी पड़ती मेरी स्टार्टिंग बहुत पड़ती थी. सो मैं 100 भी क्रॉस कर गया था फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन बट दैट्स हाउ दिस कार इज. सो डी पे बहुत सॉफ्ट मेरे इधर पैर से चलती है. सो डी इज फॉर क्रूज. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि डी पे आपको पावर कम मिलेगी स्पोर्ट्स में ज़्यादा मिलेगी जो आज की गाड़ियों में है. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दैट. आई ऑलवेज वॉन्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम माई इंजन. और मैं ऑडी Q5 जो मुझे बहुत पसंद है पुराने वाली ऑब्वियसली मुझे पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद आने लगी हैं बिकॉज ऑफ देयर बेटर रिलायबिलिटी दैन द न्यूअर कार्स. सो द डिफरेंस इन ड्राइव मोड एंड स्पोर्ट्स मोड इज कि बिकॉज इट्स अ डीजल एंड इट्स अ सीवीटी विच आई रियली लाइक बिकॉज सीवीटी इज मोर रिलायबल. और ये मैंने ली थी 29,000 किलोमीटर पे. लास्ट चार महीने में गाड़ी ऑलमोस्ट 55,000 चल चुकी है बिकॉज आई यूज इट लाइक एन एक्टिवा. दिन रात इसी को चलाता हूँ और कोई व्हीकल मेरे पास है भी नहीं. एंड देन द वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस कार इज जब स्पोर्ट्स गियर में आप डालते हो तो बेसिकली शिफ्टिंग चेंज हो जाती है. तो जब भी हम गियर चेंज करते हैं या डी ड्राइव में जब भी गियर शिफ्ट करता है या सीवीटी में जो भी करता है तो उसके कारण हर बार देयर इज अ लैग
जो स्टार्टिंग में बिल्कुल लैग होता है, बट जैसे हम स्पोर्ट्स गियर में डालते हैं तो पहले ही आरपीएम से वो लैग वाला एरिया कवर कर लेता है. सो इन स्पोर्ट्स गियर देयर इज नो लैग. फॉर एग्जांपल डी में हूं मैं, बड़े आराम से क्रॉस कर रहा हूं, हमने रेस दी, ये अब पिकअप हुई. सो इफ इट्स स्पोर्ट्स तो ये ऑलरेडी आरपीएम मीटर थोड़ा टाइट हो जाता है, गाड़ी का इंजन थोड़ा ऑन द बॉल ऑलरेडी होता है. तो मैंने रेस दी, जल्दी पिकअप हो गई, बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई, बिकॉज देन इट विल बी एन एएमजी और एन एम क्लास. फिर वो लेने का मन क्यों करेगा जो मेरा अभी बहुत करता है इस कार के बाद, बिकॉज इस कार ने मेरे शेर के मुंह में खून लगा दिया है और मैं पागल हो गया उस कार को चला के. इसके बाद मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मैं एक डिफरेंट इंसान बन चुका हूँ, मेरे डिजायर्स चेंज हो चुके हैं. आई फील लाइक अ किंग. सो इट्स ड्राइविंग लाइक अ मैड कार बट इट्स सो स्टेबल, सो गुड इन एवरी वे, क्योंकि इन गाड़ियों का अलग ही मजा है. There is nothing as compared to what kind of fun these cars can give you, and it's true. एक बार आप ये चला लो, normal गाड़ी चलानी is almost impossible. So that's a very big problem with this car. So अगर आप लोगे तो सोच के लेना कि इसके बाद आप बिगड़ जाओगे. और खुशी खुशी में मेरे को पता नहीं चला कि Mahindra का शोरूम कहाँ गया, तो I think we'll have to pause it. So we are outside the Mahindra showroom, जहाँ पे लोगों ने बोला freedom drive आएगी 700 की, और यहाँ पे लोग पता नहीं ऐसे वेट कर रहे हैं जैसे कोई बारात आ रही है. तो वाह यार, बड़े बंदे खड़े हैं, बड़े लोग ऐसे वेट कर रहे हैं, पता नहीं कौन आ रहा है, क्या बात है. एक्चुअली 700 इन्होंने पहले स्टार बना दी, ये निसान का शोरूम है, ये इनकी छोटी स्टार खड़ी है जो ये इंश्योर करेगी कि ये कंपनी को कुछ ना हो और ये यहीं पर रहे और अच्छे से गाड़ियाँ बेचे. मैग्नाइट ने सच्ची निसान को बचा लिया बड़े मजे से. अब आई होप लोग गाड़ियों ऊपर क्यों लगा रहे हैं, सो दैट यहाँ से उठा के ना ले जाए, मैं भी लगा देता हूँ. सो गुड थिंग अबाउट दिस ऑडी इज, तो क्योंकि जब तक वो नहीं आ रही तब तक बात कर लेते हैं, कि इट हैज़ अमेजिंग राइड क्वालिटी. डिपेंड्स मैंने टायर ज़्यादा बड़े करे तो, फॉर एग्जाम्पल ये फुटपाथ मैं यहाँ से ऊपर चढ़ा दूंगा, वरना खड़ी है तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया. सो इसके इसको मेरे को बिल्कुल वैसे ख्याल नहीं रखना पड़ता जैसे आपको बाकी जर्मन्स को रखना पड़ता, क्योंकि उनको एक्चुअली बहुत ख्याल रखना पड़ता है. ओवी तो मेरे से चढ़ गई, और इसके इंजन में बहुत ज़्यादा दम है, विच इज़ अनदर वेरी गुड थिंग. इट्स एन ऑटोमेटिक, इट हैज़ ऑल द फीचर्स, और ये 200 पर भी चले जाती है बड़े मजे से. और ये बात यार पता नहीं बहुत लोग अभी भी नहीं करते, प्लीज जब इंजन ऑन ही ऑफ करते हो आपका एसी ऑफ होना चाहिए. नो मैटर व्हाट पीपल से, नो मैटर हाउ मच रिलायबल टेक्नोलॉजीज, वो लोग कहते हैं कि जब आप इंजन ऑन करते हो तो एक एसी पे कट आ जाता है, कि एसी अचानक ऑन नहीं होता है, बाद में ऑन होता है. बट फिर भी आई हैव हर्ड इट फ्रॉम अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस पीपल कि इंजन ऑन करते हुए आपका एसी ऑफ होना चाहिए. वो तभी होगा क्योंकि आप जब गाड़ी बंद करने से पहले अपना एसी ऑफ कर दोगे. इंजन लाइफ और स्टार्टर लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा सही रहती है, और इस गाड़ी में तो मेरे को ख्याल रखना है, क्योंकि जब मैंने पहले ली थी, आई थिंक आपने सबने मेरी वीडियो शायद देखी हो, हाउ टू बाय अ कार फॉर फ्री, एसी चला रहा हूँ, हाउ टू बाय अ कार फॉर फ्री, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप कम चली कार ले लो, 30-40 हज़ार किलोमीटर चला के उसको उसी में भेज दो. सो ये परफेक्टली उस कैटेगरी में लैंड करती है. ऑनेस्टली एट द प्राइस आई बॉट इट आफ्टर यूजिंग इट फॉर 30-40, मुझे लगा वो सोनप्रीत है एनीवेज, बट देन आई रिमेंबर वो कनाडा में है. सो मुझे लगा कि 30-40 thousand चला के मैं इसको भेज दूंगा, बट ऑलरेडी 25 हज़ार में चला चुका हूँ, और 25 हज़ार चलाने के बाद आई वेंट टू माय मैकेनिक, उससे भी आपको मिलवाऊंगा, बात करूंगा. आई वेंट टू माय मैकेनिक एंड टोल्ड हिम कि भाई मुझे लग रहा है कि मेरे को अब तो मजा आने लगा है, मैं कहा मेरा कोई दिल नहीं इसको बेचने का, प्लीज मुझे बताइए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है. तो इसे डोंट वरी, आप जितना आप ख्याल रखते हो कि कुछ होने से पहले ठीक करा लेते हो, सो डोंट वरी, कहीं कहीं नहीं जाती गाड़ियाँ, बड़ी सॉलिड है. और मैंने इंस्टाग्राम पे कितनी सारी ऑडी A6 का C6 वर्जन है ये, तो कितनी सारी गाड़ियाँ ये वाली जिनको फॉलो करा, तो आई हैव सीन पीपल उन्होंने 3 लाख 4 लाख 2.5 लाख भी चला दिए. सो आई थिंक इंडिया और बाहर में डिफरेंस तो सस्पेंशन और सड़कों का ही है, तो अगर उसका ख्याल सही से रखो तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए. बाकी आई होप कि ये गाड़ी एंड तक रहे मेरे साथ, मेरे साथ ही बुड्ढी और एक्सपायर होकर बंद हो जाए, मेरा कोई मन नहीं है इसको बेचने का. बट थिंग इज कि दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स रियली मैटर लॉट. और चंडीगढ़ में जहाँ पे मेरा ऑफिस है, मेरे बिल्कुल साथ वाले ऑफिस में देयर इज एन अंकल ही कहूँगा मैं, बिकॉज ही मेरे से काफ़ी बड़े हैं ऑब्वियसली, तो उनकी अपनी एक विंटेज कार कलेक्शन है. सो ही हैज़ अ मिनी कूपर दैट इज अराउंड 25 years old. He has a Mercedes, वो डब्बे वाली W123 शायद, या पता नहीं, आई एम नॉट दैट अवेयर. तो ही शोड मी ऑल ऑफ हिज कलेक्शन. एक उनके पास Mercedes गो लाइटो वाली है 2007 या 2008, एक उनके पास होंडा सिटी है 2001 या 2002, और उनकी सारी गाड़ियाँ आर इन परफेक्ट प्रिस्टीन कंडीशन. तो मैं उनके साथ कहते चल मैं होंडा सिटी, मैं कहा चलो मैं आपकी होंडा सिटी चलाने का बहुत दिल है. ऑनेस्टली आई ड्रोव इट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, इट्स ओल्ड 1.5 होंडा सिटी, डड्डू शेप से पहले वाली, एंड सम हाउ दैट फेल्ट लाइक वन ऑफ द प्योरेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस आई एवर हैड. बट वाई आई एम टॉकिंग दिस बिकॉज जब मैं चला रहा था, तो मैंने जब पहली थोड़ी तेज चलाने की कोशिश करी, तो उनके क्लच के अंदर थोड़ा सा झटका पड़ा, बिकॉज मैं बड़ी देर बाद मैनुअल चला रहा था. सो मेरे को उन्होंने को गुस्सा करा, कहते ऐसे वियर एंड टियर बढ़ता है, दिस इज नॉट हाउ यू शुड डू इट. फास्ट चलानी है तो अच्छे से चलाओ, ऐसे ना चलाओ. बट द पॉइंट इज कि इफ यू वॉन्ट टू रियली कीप कार्स फॉर लॉन्ग, यू नीड टू बी श्योर हाउ योर कार्स आर केप्ट. एंड दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इफ यू आर स्विचिंग ऑन एसी, स्विचिंग ऑफ एसी, व्हाट यू आर डूइंग, व्हेन यू आर डूइंग, एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज शायद आपने नोटिस करी हो कि मैं डायरेक्टली कार, तो सारे लोग करते हैं डायरेक्टली कार पी पे नहीं डालता, और मैंने खुद ये फील करा है कि अगर मैं कहीं पे पार्क कर रहा हूँ और विदाउट हैंड ब्रेक यूज करे सीधा गाड़ी पी पे डाल देता हूँ तो गाड़ी के ऊपर एक जर्क पड़ता है, विच इज नॉट गुड गियर, बिकॉज आपका गियर बॉक्स फिर कार को पकड़ के रख रहा है। और छोटी सी आदत में अगर आप न्यूट्रल पे ही, जैसे मैं अब कर रहा हूँ तो आराम से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, गाड़ी जर्क नहीं कर रही, बट अगर मैं इसको हैंड ब्रेक हटाऊं और अब करूं, अब मैं इतना हो गया हूं कि मैं ऐसे करता नहीं हूं, तो न्यूट्रल पे मैं पहले इसको पार्किंग मोड में डालता हूं, सारी ब्रेकें लग जाती है, कार बिल्कुल लॉक हो जाती है, तब मैं पी पे करता हूं तो आराम से हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कार्स का ख्याल रखना चाहिए अगर आप चाहते हो आपकी गाड़ी लंबी चले। बट आफ्टर बाइंग दिस कार आई थिंक मैं कभी भी न्यू कार जिंदगी में नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज सेकेंड हैंड कार्स आर रियली 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 मच ओवर वैल्यू फॉर मनी।